अगर नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अगर पूरे मुस्लिम समुदाय पर हमलावर हैं, उनके अंदर की सुरक्षा की भावना को वो ख़त्म करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति जो लिंचिंग करता है उसको माला पहनाया जा सकता है, उसके बावजूद वो केंद्रीय मंत्री बना रह सकता है, उनके प्रवक्ता बहुत अनाप शनाप बोलते हुए भी उनके उनको उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ऐसे समय में क्या एक समाज के अंदर के आपसी न्याय के प्रश्न को उठाया जा सकता है? इस मुसलमानों की एकता टूट जाएगी। मुसलमानों की एकता बीजेपी को रोक नहीं सकती। मुसलमानों की एकता अगर बीजेपी को रोक पाती तो 2014 और 2019 में ये नतीजा नहीं आता, या अभी 2022 के यूपी के चुनाव में मुसलमानों ने, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप अपने रिश्तेदारों को, तरह से देख अप्रोच करता हूँ। एक तो मोरल क्वेश्चन है कि क्या हो, मतलब जो समाज किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर में पीछे रह गया, उसके साथ क्या होना चाहिए। जैसे मैं अगर इस हॉल में बैठे हुए सारे लोगों से ये कहूँ कि 200-250 लोग जो बैठे हुए हैं, कि केक बन रहा है, एक बड़ा सा केक है जो बंटना है, और उसको आप इस तरह से बांटिए जो आपके इंटरेस्ट में हो, लेकिन जो आपका हित हो, जो आपको सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए वो वैसा आप बांटें इसको, लेकिन आपको पता ना हो कि केक का कौन सा टुकड़ा आपको मिलेगा। तो इसमें हर व्यक्ति यही करेगा, हर कोई भी आदमी यही करेगा कि केक को बराबर बराबर बांटने की कोशिश करेगा, ताकि उसको एक न्यायिक रूप से जो सही टुकड़ा है वो मिल जाए, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अगर मैं बड़ा या छोटा बांटूँ तो छोटा टुकड़ा अगर मेरे हिस्से आ गया तो। कोई भी व्यक्ति, अगर आप छोटे 5-6 बच्चे के ग्रुप में भी अगर ये प्रयोग करेंगे तो आपको यही नतीजा मिलेगा, भाई आपको बांटना है, रिसोर्सेज बांटने हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं और कौन सा टुकड़ा आपके हिस्से आएगा, तो आप उसको न्यायिक बंटवारा करेंगे। तो मोरल क्वेश्चन तो यही है कि पसमानदा के साथ न्याय करने के लिए उस लोकेशन से सोचना पड़ेगा कि मैं पसमानदा हूँ, मैं OBC हूँ, या मैं दलित हूँ, या मैं आदिवासी हूँ, रिसोर्स बंट रहे हैं, मुझे उसमें से कोई एक टुकड़ा मिल सकता है, कोई भी टुकड़ा मिल सकता है, तो मैं उसको एक न्याय करूंगा। तो मोरल तरीके से तो मुझे लगता है कि जो इस डॉक्यूमेंट में आया है, जो प्रश्न उठाए गए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं, और इसको मैं इसलिए सही मानता हूं क्योंकि मोरली वो सही क्वेश्चन है। जैसे कि SC के अंदर मुसलमानों की कुछ जातियों को शामिल करना एक मोरली सही क्वेश्चन है, उनके नौकरी का जो सवाल है उसमें प्राथमिकता का सवाल है, बिल्कुल मोरल क्वेश्चन है, बैंक लोन में उनको हिस्सा मिलना चाहिए, बिल्कुल मोरल और सही न्यायिक क्वेश्चन है, ये सारा कुछ होना चाहिए। ये तो आपका न्यायप्रिय व्यक्ति के लिए इस मामले में सोचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि पसमानदा को आज तक जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है और इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको मोरल को लेवल पर, नैतिक लेवल पर आपको कोई दुविधा किसी को नहीं होगी अगर वो व्यक्ति एक मोरल व्यक्ति है तो। लेकिन इसके साथ एक और दूसरा लेयर है, और वो लेयर पॉलिटिक्स का है। इसमें जब मैं इस प्रश्न को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अगर पूरे मुस्लिम समुदाय पर हमलावर हैं, उनके अंदर की सुरक्षा की भावना को वो ख़त्म करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति जो लिंचिंग करता है उसको माला पहनाया जा सकता है, उसके बावजूद वो केंद्रीय मंत्री बना रह सकता है, उनके प्रवक्ता बहुत अनाप शनाप बोलते हुए भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ऐसे समय में क्या एक समाज के अंदर के आपसी न्याय के प्रश्न को उठाया जा सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में गंभीर नहीं है। अगर वो पसमानदा के सवालों को चाहते हैं कि न्याय हो, जो कि उनको चाहना चाहिए, भारत में एक ही प्रधानमंत्री होगा ना, अगर मैं उनसे नाराज़ भी हूँ, वोट नहीं भी दिया हूँ, तो एक ही प्रधानमंत्री है, न्याय तो उन्हीं को करना चाहिए, हम उन्हीं की तरफ देखेंगे, डिमांड उन्हीं से उठेगी। तो ऐसे समय में अगर वो चाहते हैं कि पसमानदा के सवाल उठें, तो इसकी एक बुनियादी शर्त, शुरुआत, पहला स्टेप, आप इस असुरक्षा के माहौल को, इस सांप्रदायिक तनाव के माहौल को, और खास करके आपके प्रवक्ता, आपका प्रशासन चुन चुन कर अगर बुलडोजर चलाएगा तो आपको हम मानेंगे कि आप दरअसल झूठ बोल रहे हैं, पसमानदा सवाल पर आपको न्याय नहीं करना। अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप पर ओनस है, जिम्मेदारी है, उस बेसिक
प्री रिक्विजिट को पूरा किए बगैर अगर आप चाह रहे हैं कि पसमानदा के सवालों को आप उठाएंगे और वहाँ से कुछ वोट ले लेंगे या मुसलमानों के अंदर मतभेद पैदा कर देंगे, तो ये नहीं होगा। जब बाहर से हमला होता है तो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कौम या कोई भी जाति एकजुट होती है, और उस समय भूलती भी है कि हमारे ऊपर एक्चुअली शोषण या हमारा हक कौन मार रहा है। ये सवाल तब उठता है, ये शांति काल के प्रश्न है, ये शांति काल के प्रश्न हैं। और अगर प्रधानमंत्री सचमुच चाहते हैं कि पसमानदा के साथ न्याय हो, जो कि उनको चाहना चाहिए, तो उनको शुरुआती तौर पर एक घोषणा करनी चाहिए, या वो पार्टी के अंदर करें, वो आरएसएस के जरिए करें, किसी भी तरह से करें कि हम बहुत मुसलमानों को आपको एक्स्ट्रा कुछ देने वगैरह की जरूरत नहीं है, आप उसको एक संभाव रखें, बस इतना काफ़ी है कि भाई ठीक है, अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं सब पे चलाइए ना। फिर अगर आप एक मुस्लिम युवक को एक बयान या एक ट्वीट के लिए 2 साल जेल रखना चाहते हैं तो आप सबको रखिए, अगर यही न्याय है तो न्याय कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ डिमांड नहीं है। तो ये चूंकि नहीं हो रहा, इसलिए मैं प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव को बहुत गंभीर इनिशिएटिव नहीं मानता हूँ, लेकिन जाहिर है कि वो इसमें कुछ तो करना चाह रहे हैं। मतलब वो ऐसे पागलपन में कुछ भी बोल दिया गया बयान नहीं है, बहुत सुचिंतित और एक बयान है। वो निश्चित रूप से कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हिंदू ओबीसी के अंदर और हिंदू दलित जो हैं, जिसको दलित हिंदू दरअसल नहीं भी है लेकिन अब आर्य समाज वगैरह के 100 साल के प्रयास के बाद वो हिंदू फोल्ड के अंदर है, उसके अंदर चूँकि कुछ मतभेद पैदा हुए हैं और वो अपने सवालों को लेकर ज़्यादा मुखर है, तो उनकी जो ब्रॉड हिंदू यूनिटी है उसमें कुछ क्रैक्स हैं। ब्रॉड हिंदू यूनिटी में क्रैक्स हैं। जब SC ST एक्ट का मामला आता है तो इस देश में 15 से 20 लाख दलित सड़क पर उतरकर अपने SC ST को वापस लेता है, या रोस्टर का सवाल है तब वो अपने हक को वापस लेता है, तो ये सवाल उठ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीज़ें उनको चिंतित कर रही है। ऐसे समय में मुसलमानों का एकजुट होकर वोट देने की जो एक प्रवृत्ति रही है इंडियन पॉलिटिक्स में, ये उनको शायद चिंतित कर रहा है, और यहाँ पर वो शायद कुछ फॉल्ट लाइंस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने सवालों को बहुत गंभीरता से उठाने की ज़रूरत है, और पसमानदा हित के सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये डर नहीं होना चाहिए कि इससे मुसलमानों की एकता टूट जाएगी। मुसलमानों की एकता बीजेपी को रोक नहीं सकती। मुसलमानों की एकता अगर बीजेपी को रोक पाती तो 2014 और 2019 में ये नतीजा नहीं आता, या अभी 2022 के यूपी के चुनाव में मुसलमानों ने, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछिए, आम तौर पर सारे मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दिया जो बीजेपी को हराने में सबसे सक्षम है। क्या इससे बीजेपी रुक रही है? क्या ये मॉडल चल पाएगा? मतलब ये सवाल उठाना कि पसमानदा के सवालों को उठाएंगे तो मुसलमान बंट जाएंगे और बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ चुकी है, आपके एकजुट होने के बावजूद आ चुकी है, आपका एकजुट होना बीजेपी को नहीं रोक सकता है। मतलब ऐसे 8 चुनाव 10 चुनाव के बाद अब तो आप समझिए कि नहीं रोक सकते भाई, आपकी एकजुटता बीजेपी कैसे रोक सकती है? 78% हिंदू है इस देश में, आपकी एकजुटता 14% मान लीजिए, 15% सारे लोग वोट डालने जाते हैं मान भी लीजिए, एक तो वोटर लिस्ट वगैरह में बदमाशी वगैरह अलग खेल है, इसके बावजूद मान लीजिए 14% मुसलमान एकजुट होकर उस पार्टी को वोट डालते हैं जो बीजेपी को हरा सकता है। क्या ये मॉडल काम कर रहा है? किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं काम कर सकता है। रामपुर हार गया, मतलब रामपुर में बीजेपी जीत गई, मतलब कहाँ का, मतलब क्या बात कर रहे हैं? तो ये नहीं चल सकता है, ये मॉडल फेल है। इसलिए पसमानदा सवाल उठाए जाने चाहिए, इससे मुसलमानों को इसका कोई अहित नहीं होने वाला है। ओबीसी के सवालों को उठाने से हिंदुओं का क्या बिगड़ गया? तो धर्म के अंदर आपसी जो अंतर्विरोध हैं, ये सवाल उठाए जाने चाहिए, और बहुत अलग अलग तरह से अप्रोच कर रहे हैं। इस समय मैं बताऊँ, सांप्रदायिक तनाव का माहौल है ना। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ जो बहुत बड़े पद पर हैं, और जब पहली लिंचिंग